इन दिनों प्रदेश की राजनीति में उज्जैन महाकाल लोक की सप्त ऋषियों की मूर्तियों को लेकर तूफान आया हुआ है, जहां कांग्रेस की जांच टीम के बाद अब अखाड़ा परिषद के महामंत्री ने भी सप्त ऋषियों की मूर्ति विवाद को लेकर जांच करने की अपील की है। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। उज्जैन में सप्त ऋषियों की मूर्ति खंडित होने के मामले में अब राजनीति उफान पर है, जहां कांग्रेस की एक जांच समिति ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब अखाड़ा परिषद महामंत्री हरिगिरी महाराज ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सप्त ऋषियों की मूर्ति कैसे गिरी इसकी जांच हो तथा कारीगर ठेकेदार या अन्य की गलती का पता लगाए जाने की बात कही है। ऐसा है कि पहली बात ये है, जो परंपरा है, रीति रिवाज है, कहीं न कहीं मतलब जो चर्चा हुई है, क्योंकि दुख की घटना तो ये है ही है, इस प्रकार की हो जाना ये अपने आप में दुखद और चिंताजनक बात है। कहीं भी जिस भी कारीगर के द्वारा या कहाँ मिस्टेक हुआ, ये जांच का विषय नहीं कि ठेकेदार की दोष है या किसी और का। वहीं इसके बाद अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार पर उठ रहे सवाल के बाद महाकाल लोक की खंडित मूर्तियों के मामले में जिला प्रशासन अपनी क्या तैयारी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज उज्जैन।